देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन दी ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है बेटा ए, सपोज मान लिया बच्चा मैंने ए पॉइंट, यहाँ पे ये तुम्हारा ए पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड से तुमने एरोप्लेन को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। तो एरोप्लेन मान लेते हैं छोटू, या इस पोजीशन पे तुम्हारा एरोप्लेन था, इस पोजीशन पे एरोप्लेन था, और यहां से यहां तक तुम्हारा एंगल कितना बन रहा था बेटा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। एंगल जितने भी बनते हैं वो बनते किससे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो बनते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ये मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बना, एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे बेटा, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे पहले एरोप्लेन था, मैं ए पॉइंट था, ये मैं मान लेता हूँ पी पोजीशन पे, पी पोजीशन पे पहले से एरोप्लेन था। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ये भाई साहब तो यहीं रहे, ये भाई साहब तो यहीं रहे, ये प्लेन पहले से उड़ रहा था बेटा, इसको इसने जब देखा तो एंगल कितना बन रहा था, 60 बन रहा था, ऐसे करके देख रहा था। 15 सेकंड में उसका जो एंगल था वो रिड्यूस हो गया, 30 पे पहुंच गया। इसका मतलब मेरे को ये बताओ, ये जो प्लेन था इधर को गया या पीछे को आया बेटा, राइट साइड में गया, राइट साइड में गया, तभी तो तुम्हारा एंगल कम हुआ है ना। तो प्लेन मान लो यहाँ कहीं पहुंचा होगा। अब यहाँ पे दो सवाल हैं दिमाग में, प्लेन हो सकता है इधर पहुंचा हो, या उसने ऊपर को उड़ा दिया हो, सकता है नीचे को उड़ा दिया हो। तो आगे अंग्रेजी पढ़ो, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3 मीटर। ये जो जमीन से लेके ग्राउंड से लेके ये जो हाइट है बेटा, ये कॉन्स्टेंट है, तो पक्का जो प्लेन उड़ा ना तो वो हॉरिजॉन्टली मूव किया है, हॉरिजॉन्टली मूव करा है। तो कितना मान लो डॉट 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 डॉट, ये प्लेन पहुंच गया क्यू पोजीशन पे। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो टी इक्वल टू हो गया तुम्हारा 15 सेकेंड्स। ये पहुँचा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया अब तुम्हारा, तो ये रिड्यूस होके बेटा तुम्हारा हो चुका है 30 डिग्री। ये एंगल तुम्हारा हो चुका है 30 डिग्री। अच्छा, इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं और इस लाइन को भी बेटा आपस में मिला देते हैं यहाँ पे लाके। तो ओवरऑल मेरे पास में जब वर्टिकल लाइन कोई भी ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री पे करते हैं ना बेटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन का मैं समझ में आ गया कि एक बंदा यहाँ खड़ा था, उसने पी पॉइंट पे देखा प्लेन को, तब एंगल 60 था, 15 सेकंड में वो प्लेन कहीं इधर पहुंचा होगा या इधर पहुंचा होगा। अगर एंगल इंक्रीज करता तो मैं इसके मुंह पे लाके खड़ा कर देता प्लेन को, लेकिन इन एंगल डिक्रीज किया तो मैंने उधर भेज दिया, 15 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया। पूछा ये फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन पूछ ली। अब जब स्पीड पूछी है तो स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, अगर मेरे को बेटा यहाँ से यहाँ तक की पी क्यू की डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। कैसे निकालूँ, इसका कुछ नाम लिख दो, इसको लिख दो बेटा बी, इसको लिख दिया मैंने सी। सुंदर सुंदर से दो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला बेटा पी बी ए या पी ए बी, और एक बन रहा है क्यू ए सी। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दोनों में टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा लगाने के बाद में मेरे पास में अगर पी क्यू आ गया तो फिर पी क्यू आ गया तो फिर हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा सा डायग्राम बनाओ, जल्दी करो, पहले डायग्राम बना लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आ चुका, इतने साल के तुम लोग नहीं हो, ये इतनी बार रिपीट करता है, चेक करना कभी पी वाई क्यू बुक खोल के, बार बार रिपीट करता रहता। कभी वो प्लेन को उड़ा रहा है, कभी चिड़िया को उड़ा देगा, कहेगा चिड़िया उड़ रही थी वो 15 सेकंड में यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यही होता रहता है। ये सेम सवाल है, ये मैंने कराया कि नहीं क्लास में, पहले बताओ। अभी तो पहले, हाँ नहीं, इससे पहले पहले कराया कि नहीं, अब तुम लोगों ने मुंडी हिला दी, नहीं कराया। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद करो, बलून वाला बेटा, वेरी गुड। बलून क्वेश्चन भी तो ऐसे ही चला ना, वो लड़की वो देख रही थी बलून को, फिर गया 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 यहाँ पहुंच गया कुछ टाइम के बाद। अरे यार, तो उसकी डिस्टेंस पूछी थी ना, क्या दिक्कत है, इसमें एक लाइन और बढ़ गई है। क्वेश्चन तो वही है ना, पैटर्न वही है, कॉन्स्टेंट हाइट है। चलो डायग्राम बनाने के बाद में अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले मैं लूंगा
इन ट्रायंगल, पहले मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले ले रहा हूँ बेटा चुटकू सा। अच्छा एक हाइट और पता है, ये हाइट कितनी है? ये 1500√3 है, कॉन्स्टेंट हाइट है बेटा, 1500√3 है, कॉन्स्टेंट हाइट है। तो मैं पी ए बी ट्रायंगल लूँगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी ट्रायंगल में बेटा टेन 60 डिग्री लगाएंगे, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू आ गया ए बी डिवाइडेड बाई सॉरी पी बी, पी बी डिवाइडेड बाई ए बी। 1060 की वैल्यू होती है √3, पी बी है मेरा 1500√3 डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ से बेटा मेरा देखो ए बी इधर लेके आए तुम, ए बी इधर लेके आए तो ए बी √3 इक्वल टू आ गया 1500√3। ये √3 उधर जाके डिवाइड करेगा है ना, ये √3 उधर जाके बेटा डिवाइड करेगा, तो √3 से √3 कट्टी पिट्टी हो गया, तो कितना आया बेटा यहाँ से ए बी इक्वल टू आ गया 1500 मीटर, ए बी इक्वल टू आ गया 1500 मीटर। सेम प्रोसेस से अब की बार ट्रायंगल ले लो क्यू ए सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो क्यू ए सी, इन ट्रायंगल क्यू ए सी, इन ट्रायंगल क्यू ए सी, क्यू ए सी में अगर मैं 10-30 डिग्री लगाऊंगा तो वो आएगा बेटा क्यू सी डिवाइडेड बाई ए सी। 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्यू सी की वैल्यू है 1500√3 डिवाइडेड बाई ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा छोटू तो ए सी इक्वल टू आ गया 1500√3 × √3। और सॉल्व किया √3 × √3 3 होते हैं, तो ये 4500 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया तुम्हारे पास 4500 मीटर आ गया। यहां से एक्चुअली तुम्हारे पास बेटा एसी कंप्लीट आ गया, मेरे को तो बीसी चाहिए ना, बीसी चाहिए, तो पूरे एसी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी को बेटा ब्रेक करके लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 4500 बन गया, क्योंकि मैं एसी की जगह में ब्रेक कर सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, ए बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पहले बी सी लिखते हैं, बी सी इक्वल टू आ जाएगा 4500 माइनस ए बी, और ए बी की बेटा वैल्यू कितनी निकली थी 1500 माइनस किया 3000 मीटर आ गया। तुम्हारे पास में बी सी आ चुका है, तुम्हारे पास में बेटा बी से सी की डिस्टेंस आ चुकी है। अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास बी से सी की डिस्टेंस आ गई, क्या तुम इतने नालायक हो कि उसका स्पीड ना बता पाओ? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस आई है जो बी सी, यहां से पी से क्यू तक उड़ने में क्या क्या लगा है बेटा, उसको एक दूसरे की हेल्प मत किया करो, एक दूसरे की हेल्प मत किया करो, टेस्ट में फुल आए जिस दिन स्कूल में और यहाँ पे तब बताना, आपस में यहाँ नहीं बात नहीं करनी ना बिल्कुल भी, ज्ञान तब बांटना पहले हो। बीसी कितना है बेटा 3000 और टाइम कितना है 15 सेकंड। इसको पहले सॉल्व करो, तो जल्दी करो, जैसे इसको किया बेटा तो ये आ गया 200, ये था मीटर पर सेकंड। तुम्हें डाउट जो आते हैं ना किसी बच्चे को, मेरे से पूछा करो बेटा, आपस में डिस्कस नहीं हो जाए क्लास में, क्लास में पढ़ाते समय जो भी डाउट आए मेरे से पूछोगे, आपस में नहीं करना है, आपस में कर करके मार्क्स आते नहीं है फिर, और पता नहीं क्यों लगता कि तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो तुमसे बड़ा गधा है जो भी बैठा है। ये आ गई तुम्हारी स्पीड, अब स्पीड पूछी किसमें है, सुने किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो इसका क्या तरीका है? मैं तो ये बोलूंगा कि याद रख लो कैसे, अगर बेटा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो डायरेक्ट याद रखो बेटा 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 5/18 से करते हैं, किससे? फाइव अपॉन 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा करो बेटा, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो
5 से करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा अगर ये भूल जाओ एग्जाम में हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये बड़ा आसान है। कैसे, मेरे पास जो आया था, मेरे पास ये आया, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास जो आया है वो यही तो आया, मीटर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसे ही तो आया। अगर बच्चा मैं मीटर से किलोमीटर में चेंज करना चाहूं तो मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर ऊपर डिवाइड करूंगा 1000 से होल डिवाइडेड बाई, और सेकंड को अगर मैं आर में चेंज करना चाहूं तो मैं किससे, एक एक घंटे में कितनी सेकंड होती बेटा, 100, वाह वाह, एक मिनट में 60 सेकंड होती, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो अगर तुम पूरा देखोगे एक घंटे में तो 60 × 60 दो बार करना पड़ेगा, तो मेरे को सेकंड से बड़ी यूनिट में जा रहा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 × 60 से, तो ये 60 × 60 कूद के ऊपर आ जाएंगे, तो ओवरऑल ऐसे बचेगा 200 × 60 × 60 डिवाइड बाई 1000। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 0 0 2 5 10 2 3 6 जो भी है 18/5 आ गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, 18/5 से करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, क्या 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 करो, तो क्या दोबारा करो ना, तो क्या हो गया, हाँ जल्दी करो, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान दिया करो, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो निकल गया ना, वैल्यू कुछ और होती तो फिर टेढ़ा निकलता। चलो करो बेटा जल्दी करो करो। अब यहाँ से क्या आ गया बेटा, मेरे पास में अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 720 किलोमीटर पर आर, ठीक है, ये 720 किलोमीटर, समझ में आई कैलकुलेशन का, नहीं कोई दिक्कत क्या, क्या इसी को, ये तो टेस्ट में आता है ना, ये तो नॉर्मल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं, बहुत आसान सवाल था, नेक्स्ट। अच्छे से क्वेश्चन लिखने के बाद डायग्राम बनाओ, गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ये देखो तुम्हें क्या समझ में आता है इसके डायग्राम में, क्या कह रहा है ये, लवन है तुमने होमवर्क दिखाया बेटा क्यों, ध्यान तो सब कहाँ है, अच्छा वो है, अच्छा मैंने कुछ और देख लिया था, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन में कहता है कि एक प्लेन था 4000 मीटर पे, वो ग्राउंड से उड़ रहा था, अब बात नहीं आपस में बहुत हो गया, उड़ रहा था बेटा, उस प्लेन ने एक दूसरे प्लेन उसको कोई पास कर नहीं, उस प्लेन को मतलब वो खुद किसी को पास कर रहा है, ध्यान से सुनना, एक प्लेन है जो कहाँ उड़ रहा है बेटा, 4000 ऊंचाई पे उड़ रहा है, देख रहे इसके, मान ले बच्चा जो प्लेन है वो यहाँ उड़ रहा था, ठीक है यहाँ उड़ रहा था, इस प्लेन ने किसी और प्लेन को, इसके जो नीचे जो प्लेन होगा कोई, उसको इसने पास किया, उसको इसने पास किया, ऐसे ही होता है, वर्टिकली पास किया, तो मैं ये मान के, और ये कितनी हाइट पे उड़ रहा था बेटा, ये जो हाइट थी ना इसकी, इसकी ग्राउंड से हाइट जो टोटल थी वो 4000 मीटर थी, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस थी इसकी 4000 मीटर, ये प्लेन मान लो ये ओरिजिनल प्लेन ए था, एक कोई बी प्लेन था, बी प्लेन को ये ओरिजिनल वाला पास कर रहा है, ऐसा सीन चल रहा है, एक प्लेन ये नीचे चल ही रहा था, ये ऊपर से आया 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 आया, इसको पास करते हुए निकल रहा है, ठीक है, तो ऊपर कौन सा वाला प्लेन है जिसकी जो 4000 मीटर ग्राउंड से उड़ रहा है, ये सीन है, कोई ऑब्जर्वर है बेटा जो ग्राउंड से ये सब चीज़ें देख रहा है, खाली पीली बैठा हुआ, मान ले बेटा वो ऑब्जर्वर यहाँ का ही है, जो ऑब्जर्वर है वो मान ले छोटू यहाँ पे है, और ये ऑब्जर्वर ने क्या किया, इसने दोनों को ऑब्जर्व किया, एक बार इसने इस प्लेन को ऑब्जर्व किया ऊपर वाले का कितना एंगल बना रहा है, फिर इसने देखा एक बार कि ये एंगल कितना बना रहा है,
दोनों एंगल गिवन है, कितने कितने गिवन है बेटा, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो तुम खुद ही यार कॉमन सेंस लगाओ, इतने क्वेश्चन करें, ये वाला छोटा वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा, ये एंगल होगा बेटा तुम्हारा 45 डिग्री, और बड़ा वाला पूरा एंगल होगा तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा और आगे सुनो, ये बीच की जो हाइट है कि एक दूसरे से वर्टिकली कितनी दूरी पे है, क्या डिस्टेंस है, वर्टिकली हाइट है, ये तुमसे पूछिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए बेटा एच ले लेते हैं या एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ये टोटल 4000 है, ये टोटल 4000 है, अगर ये टोटल 4000 है, एच चली गई तो कितनी बची, नीचे वाली बेटा 4000 माइनस एच बचेगी, ये बी से लेके, इसका नाम लिख दे रहा हूँ सी, इसको कर दे रहा हूँ मैं पॉइंट पी। समझ में आया, दो छोटे छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है बेटा। एक ट्रायंगल ले लो बी पी सी और एक ले लो ए पी सी, तो ऐसे लिखेंगे, आगे लिख लो बेटा, टू प्लेन्स एट पॉइंट ए एंड बी, कौन सा बेटा, किसको, इसको डी लिख दे पी की जगह, लो खुश हो जाओ, चलो डी लिख लो इसको, करो जल्दी, पहले एक लाइन अंग्रेजी लिख लो, ए और बी पॉइंट की है ना, लिखो लेट वन एरोप्लेन बी एट पॉइंट ए एंड सेकंड बी एट पॉइंट, हम लोगों ने बी लिया ना, एंड सेकंड बी एट बी, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एच, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एच, ये डिस्टेंस मैंने एच कंसीडर कर ली जो बीच की डिस्टेंस है। पता नहीं, अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे बी बी डी सी, बी डी सी ट्रायंगल में अगर मैं 10 45 डिग्री लगाता हूँ तो ये होगा बी सी डिवाइडेड बाई डी सी, 10 45 है 1, बी से सी कितना है 4000 माइनस एच डिवाइड बाई डी सी, यहाँ से बेटा डी सी निकल आई मेरे पास में 4000 माइनस एच, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेम तरीका से अब की बार बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, अब की बार बेटा मैं 10 60 डिग्री लगाऊंगा तो 10 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा ए सी डिवाइडेड बाई डी सी, 10 60 की वैल्यू रूट 3 होती है और AC तुम्हारे पास टोटल गिवन है बेटा, AC 4000, DC यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DC इक्वल टू आ गया बेटा 4000 डिवाइडेड बाई रूट 3। इसको रैशनलाइज कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट बिल्कुल पसंद नहीं, कर दो बेटा कर लो, तो रूट 3 से रूट 3 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल नीचे 3 आ जाएगा। इसको जैसे ही रैशनलाइज करा तो तुम्हारे पास आ गया 4000 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। बेटा ये जो DC की वैल्यू आई है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये DC की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, वहाँ से तुम्हारे पास H आ जाएगा। समझ में आ गया, DC की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तुम्हारे पास में H निकल के आ जाएगा, और H ही चाहिए, उसने H ही बोला है निकालने को। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ DC इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, DC की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारे पास आई है 4000 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4000 माइनस एच, एच को लेफ्ट में लेके आओ बेटा, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 4000 माइनस 4000 रूट 3 डिवाइड बाई 3। इसका थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लो, सॉल्व कर दो। अच्छा एक काम करो,
इस क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू गिवन थी बेटा, तो रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। 1.73 वैल्यू पुट कर दो या एलसीएम ले लो तो भी हो जाएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, करो मैं चेक करता हूँ, देखो आएगा सब आएगा। एच इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना बन गया 12,000, 12,000 माइनस लिखेंगे 4,000 रूट थ्री। अच्छा एक काम करो, रूट थ्री की वैल्यू पुट करो कितनी होती है 1.73 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व किया तो 12,000 माइनस कितना बेटा 69, चल मान लेते हैं ये आ गया, डिवाइडेड बाई 3। अभी बोलो नहीं बेटा, इसको सॉल्व किया बेटा कितना आ गया ये 0.8 और 0.5080 आया बेटा, और डिवाइड बाय 3 से इसको डिवाइड कर दो 9.3 बस एक पॉइंट के बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा तुम्हारे इतने मीटर हाइट आ गई, राइट आंसर है। बार लिखने की क्या जरूरत है, पागल हो, 9th क्लास है तुम्हारी, बार लिखोगे हाँ ऐसे लिखना जाएगा बेटा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा अच्छा सवाल था, आसान था। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे बेटा, जल्दी करो। ये सारे वो सवाल हैं कि जो हम लोगों के एनसीईआरटी में इस टाइप के थोड़े से नहीं है, बट क्वेश्चन तो आते हैं, है ना, बार 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 ये लैंग्वेज देता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन आता है बार बार, ट्रेन वाला, एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन वाला भी है ना उसमें एक, हाँ वो लेट हो जाता, तो वैसे ही एरोप्लेन वाला इसमें भी एक फिक्स है, हर साल आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है अगर ध्यान से पढ़ो तो। अब यहाँ पे ऐसे है, थोड़ा सा फील करो बेटा क्वेश्चन को। ये कहता है हम लोगों की जो शेडो बनती है, अगर मान लो दिन के 12-1 बजते हैं, जब हम लोगों का जो एग्जैक्ट सन ऊपर होता है उस टाइम पे कैसा रहता है शेडो, बिल्कुल छोटा, पैरों के पास ही रहती है ना। सबसे बड़ी इमेज कब बनती है हम लोगों की, इमेज तो नहीं बोलेंगे, ये शेडो कब बनती है बेटा, किस टाइम, एक तो सुबह और शाम को, बहुत लंबी। तुम यहाँ खड़े हो, तुम पता चलो 100 मीटर के दिख रहे हो या 20 मीटर के दिख रहे हो। तो होगा क्या, ऐसा है कि अगर छोटू एक ये कोई खड़ा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं सन की पोजीशन है इस जगह पे, इस जगह पे है, ये कुछ एंगल बनाएगी, तो इसकी इमेज कहाँ तक जाएगी, इसकी इमेज ऐसे ही तो कहीं बनेगी, लॉजिक समझ में आया। और अगर ये जो सन है इसकी पोजीशन बेटा मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बढ़ा के फिर इमेज बन जाएगी, मतलब ये जो है इसकी इमेज ये बन रही है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। ये जो है इसकी इमेज, इस पूरे की इमेज कहाँ बन रही है, जब यहाँ पे एंगल बन रहे हैं तो ये पूरी इमेज बन रही है, ग्राउंड पे ही तो बनेगी इमेज, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि जब जब एंगल मेरा छोटा होगा, एंगल कम होगा, तो इमेज बड़ी बनेगी। अब क्वेश्चन को एक बार रीड करो, एक बार बेटा क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, क्या कहता है। ये कहता है कि एक टावर था, मैंने टावर बना दिया, लो एक ये बेटा मैंने टावर बना दिया, एक ये टावर है। ये कहता है कि इस टावर का ऑन जो ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है इज फाउंड टू बी 40 मीटर लार्जर, इसकी जो शैडो है 40 मीटर लार्जर है व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन 60 डिग्री। सीधी सीधी बात ये, जितना एंगल 60 से 30 में जब गया, 30 में जब जो बन रहा है उसकी इमेज, वो 40 मीटर बड़ी बन रही है। ऑब्वियसली बात है, जब एंगल कम होगा, एंगल जो कम होगा तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये कहता है कि इसकी जो इमेज बढ़ रही है, अब मेरे को हम ऐसे तो दिखाएंगे नहीं सन, यहाँ पे कुछ मन दिखाओ बेटा, सिंपली हम ये कर सकते हैं, अगर मन कर रहा हो तो ऐसे कर सकते हो यहाँ पे कि तुमने लाओ एक सन बना दिया ऐसे, ठीक है।
एक एक बार इसका एंगल कहीं बर्रा होगा क्योंकि सन की पोजीशन चेंज हो रही है ना दोनों बार, तो इसलिए हम लोग सन को दिखाएंगे नहीं। लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन ये पता है कि इसकी जो इमेज बढ़ रही है वो ऐसे बढ़ रही है। एक बार मान ले बच्चा ये इमेज बढ़ रही थी, मैं ग्राउंड ये भी बना दे रहा हूँ, और एक बार जो इसकी इमेज बढ़ रही थी वो बेटा ये वाली इमेज बढ़ रही थी। इतना समझ में आया? जब पहले इमेज बढ़ रही थी तो एंगल कितना था ये वाला 60 डिग्री बेटा। जैसे जैसे इसके टावर के पास रहोगे तो वो एंगल ज़्यादा होगा, और ये वाला एंगल कितना बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था तुम्हारा 30 डिग्री। इसकी हाइट तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है, तो इसकी हाइट को चलो h ले लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। ये हाइट डिस्टेंस पता है क्या? नहीं। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ये जो डिस्टेंस दे रखी है तुम्हें, डिस्टेंस कहता है कि जब पहले जो बढ़ रहा था 60 से, और लेकिन 30 से बनाया तो वो 40 मीटर ज़्यादा बना, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी 40 मीटर गिवन है, ये वाली, ये डिस्टेंस 40 मीटर गिवन है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन का कुछ नाम लिख दो बेटा यहाँ पे, ए बी सी डी, और यहाँ पे लिख दो लेट हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर। ए बी तुमने एक टावर कंसिडर करा, आगे लिखना चालू करो बेटा। पहले डायग्राम बनाओ सारे बच्चे, लिख लो बेटा, लिख दो लेट ए बी बी द टावर ऑफ हाइट एच मीटर, ठीक है, एच मीटर लिख दो, बस हो गया काम, बाकी का हम लोग अब तो कंसीडर कर ही लेंगे। इसको भी अगर मानना चाहो तो इसको भी ले लो, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, लिख लो लेट बी सी इक्वल टू, लेट ए बी इक्वल टू मैंने मान लिया बेटा एच मीटर है, और एंड बी सी इक्वल टू मैंने एक्स ले लिया। अगर एक्स ना भी लेता तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने ढेर सारे वेरिएबल लेने से कोई फ़ायदा नहीं होती है, लेकिन कोई नहीं। अब क्या करूँ, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे, छोटा वाला ही तो लेंगे बेटा, ये 90 डिग्री भी दिखाई देगा, तो ट्रायंगल ए सी बी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी, इस ए सी बी ट्रायंगल में टेन 60 डिग्री लगाएंगे, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा ये आ जाएगा रूट थ्री इक्वल टू ए बी, ए बी है एच और बी सी है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री इंटू एक्स इक्वल टू बेटा एच आ गया। अगर मैं यहाँ से तुम्हें बोलूँ एक्स कितना आ गया, तो ये आ गया एच अपॉन रूट थ्री, किसी को कोई आपत्ति? देखो एक्स की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ ये आ गए। अब तुम लोग ले लो दूसरा वाला ट्राइंगल, अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। बड़ा ट्राइंगल क्या है, ए डी बी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, टेन थर्टी की वैल्यू वन, ए डी बी, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू होगा बेटा ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। टेन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, ए बी एच है, बी डी को बेटा लिख, अभी तो बी डी लिख दे रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी डी इक्वल टू आ गया तुम्हारा एच रूट थ्री बी डी। बी डी को ब्रेक करके लिख सकते हैं बी सी प्लस, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हो बेटा, तो एच रूट थ्री है। बी सी की जगह, बी सी की जगह तुम एक्स पुट कर सकते हो, और सी डी की जगह 40 पुट कर सकते हो, तो एच रूट थ्री। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी टू आ गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। बड़ा आसान है, इतना करने के बाद में इक्वेशन नंबर वन से बेटा एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, फिर एच की वैल्यू आ जाएगी। करो अच्छे से, करो तो एक बार ट्राई करो, इक्वेशन नंबर वन में से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, और फिर एच एक तरफ कर लेना, एलसीएम वगैरह ले लेना। अवार्ड दें इसको, देखता हूँ किसी बच्चे ने वैल्यू पुट करी बेटा क्या आया, सब एक ही आंसर बोल रहे हो। मैं इसको लिखूंगा पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही सेकंड में पुट करोगे तो तुम्हारे पास में एक्स की जगह बेटा पुट कर दो एच अपॉन रूट थ्री प्लस 40 इक्वल टू एच रूट थ्री। बेटा ये उधर लेके जाएंगे, बस में आया, आ गया अभी, सुन बेटा यहाँ देखो, ये चीज़ यहाँ प्लस की, उधर जाके माइनस की हो जाएगी ना बेटा, इसको रेशनल वो करो जल्दी, एलसीएम ले लो ना, एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम आएगा रूट थ्री, तो रूट थ्री का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये थ्री एच बन जाएगा माइनस एच इक्वल टू 40। ये रूट थ्री बेटा इधर लेके आए, मैं इधर कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, तो ये बन जाएगा 40 रूट थ्री इक्वल टू 2h। इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गए बेटा, है ना, तो h की वैल्यू आ गई 20 रूट थ्री। अच्छा रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.73, इसको सॉल्व करेंगे 0, तो ये तुम्हारा ओवरऑल आंसर आया 34.6 मीटर में है ना बेटा सब कुछ, तो ये तुम्हारा टावर की हाइट निकल के आ गई। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे यार टाइम कैसे खत्म हो गया, देखो सुनो बेटा ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर तो हम लोगों का फिनिश है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा, देखो दो तीन टॉपिक हम लोगों के बचे हैं, तीन ही तो बचे हैं, एक सर्कल बचा है, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम है, और एक जब तक तुम्हें सर्कल नहीं आएगा तब तक सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो सॉरी तब तक तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं कर पाओगे, और एक बचा सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो बच्चे मेरे से पढ़े थे नाइन्थ में उनको तो बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि मैं सारा कॉमन ले लेके वैसे ही बताऊंगा, वो आसान टॉपिक रहेगा। ठीक है, सर्कल सारे बच्चों के लिए नया है, तो मैं सोच रहा हूँ सर्कल पहले कर लिया जाए। किसी बच्चे के स्कूल में पहले क्या आ रहा, सर्कल या सरफेस एरिया बेटा? सर्कल। तो मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट क्लास से, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे क्या? नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल पहले, है ना बेटा? सर्कल करेंगे और